हाँ, तो देखिए आगे कॉन्सेप्ट है आज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्ट में लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डीएमयू। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही पाथ है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, है ना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर वो नहीं देखे पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्लियर। इसमें इसे कहा जाता है गोसेंस फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गोसेंस फर्स्ट लॉ, क्योंकि यही सबसे पहले दिए थे इसको। इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहला किसने बताया था? गोसेन ने बताया था, ठीक है। इनका कहना है कि अगर कोई भी कमोडिटी का कंटिन्यूअस कंजम्पशन किया जाए, क्या किया जाए? कंटिन्यूअस कंजम्पशन किया जाए, ठीक है, तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है वो कंटिन्यू गो ऑन डिमिनिशिंग होता है, वो डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। देखिए अगर आपको ध्यान हो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यही एग्जाम्पल लेके चला था, ठीक है। एमयू क्या था हमारा? एमयू 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, ये मार्जिनल यूटिलिटी हम लेके चले थे, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपने क्या सोचा कि आखिर ये यूटिलिटी लगातार डिमिनीस क्यों है, डिक्रीज क्यों कर रहा है? तो ये लॉ ऑफ डीएमयू ही है जो कहता क्या है कि अगर हम किसी कमोडिटी का कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते चले जाएं, ठीक है, तो जो उससे मिलने वाला यूटिलिटी होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअसली फॉल करेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। मान लीजिए आपके फादर हैं या फिर मम्मी, है ना, कोई भी पेरेंट्स में, है ना, जो क्या हुआ, ऑफिस से दोपहर गर्मी का समय ऑफिस से घर आए, ठीक है। आप जाके उन्हें ऑफर करते हो कि लीजिए एक ग्लास जूस पीजिए, ठीक है। ही विल बी वेरी हैप्पी, बहुत ही खुशी की बात, उसको बहुत आनंद आएगा उनको, ठीक है। तो उनको यूटिलिटी शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा मिला। आप एक ग्लास फिर ले जा करके दिए तो मना नहीं, जो गर्मी का समय मना नहीं करेंगे, पी लेंगे, लेकिन पहली बार जितनी खुशी मिली ना उतनी अब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहली बार वो प्यासे थे, जब एक ग्लास जूस पी लिया तो प्यास उनका कम हो गया, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यूअस अगर हम आप पिलाते चले जाओ तो एक समय आएगा बोलेंगे नहीं नहीं अब हमको जूस नहीं चाहिए, हाँ ग्लास छोटा है यहाँ पे, ठीक है। वरना इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे तो 5, 6 गिलास पिलाते पिलाते तो भाई हालत ख़राब हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि क्या हुआ, आप जैसे जैसे उनको पिलाते जा रहे हो क्या हो रहा है, वो लगातार डिमिनिस, उनको यूटिलिटी कम होता जा रहा है। एक समय आएगा जब वो बोलेंगे कि नहीं भाई अब मत दो हमको, ठीक है, तो वहां पे जीरो सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि उनको कोई सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती आप ले जाकर के गिलास दो कि नहीं और पीजिए, तो पहले तो थप्पड़ खा लीजिएगा, है ना, कि क्या आप लगा रखे हो, लगातार पियो, जूस पीते रहिए, क्या है। लेकिन कहो कि नहीं प्यार से लाए पी लीजिए प्लीज़, अब वो बेचारे पी भी लिए, है ना, तबीयत खराब हो सकता है ना, ज़्यादा कंजम्पशन करें तो तबीयत भी तो खराब हो सकता है। किसी भी कमोडिटी को एक्सेस कंजम्पशन करोगे तो तबीयत खराब हो सकता है ना, तो वो यूटिलिटी क्या हो जाएगा? डिस यूटिलिटी में चेंज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं निगेटिव यूटिलिटी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप कंजम्पशन जूस पिलाते रहते, है ना, तो जो जूस पी रहे थे उनका कंजम्पशन जो यूटिलिटी था धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा था। एक पॉइंट आया जहां पे उनका प्यास पूरी तरह मिट गया, ठीक है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद जबरदस्ती जब पी लिए ग्लास और, तो सेटिस्फैक्शन क्या हो गया? निगेटिव में आ गया, है ना, मतलब यूटिलिटी बिकम्स डिस यूटिलिटी, क्लियर है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता क्या है, जब कंटिन्यूअस कंजम्पशन किसी कमोडिटी का हम लोग करते जाएं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा वो क्या होगा? डिमिनिश करता चला जाएगा। लेकिन सवाल है यहाँ पे, क्या भाई बात ऐसा है ना, हर समय अप्लाई नहीं होगा ये, कब अप्लाई होगा? तीन कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अगर फुलफिल होता है तभी ये लॉ अप्लाई होगा। क्या? कंजम्पशन जो होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, ठीक है, जैसे आपको भूख लगा, घर गए,
अब पहला रोटी आपको मिला, बहुत ही आनंद आएगा कि नहीं आएगा, बहुत खुशी 10 के बराबर। दूसरा रोटी खाएं थोड़ा आनंद घट जाता है, क्यों? क्योंकि पहला रोटी में आपका कुछ ना कुछ पेट भर चुका है, खाते गए रोटी एक समय आएगा पेट पूरी तरह भर गया, जबरदस्ती रोटी खा लो तबीयत खराब हो जाएगा, डिस यूटिलिटी, राइट। तो क्या हुआ, कंजम्पशन जो होगा ना वो कंटिन्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंटिन्यू कंजम्पशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं भूख लगा था एक रोटी आज खाएं, अगला रोटी अगला दिन सुबह खाएं, वैसा नहीं करना, ठीक है, तब यह लो अप्लाई फिर नहीं होगा, क्लियर है। तो पहला चीज क्या है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। दूसरा कंडीशन इसका क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर होना चाहिए। देखो अगर प्यास लगा है ना तो पानी स्टैंडर्ड ग्लास से पीना है, ड्रॉप से नहीं पीना है, ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, क्लियर। तीसरा क्या है, कांस्टेंट प्राइस होना चाहिए, प्राइस हर यूनिट के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। ये तीन अगर सेटिस्फाई कर रहा है और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और अगर आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते जाओगे तो वहां यूटिलिटी लगातार डिक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया वहाँ देखिएगा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, इसको सेचुरेशन का पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेचुरेशन का पॉइंट। ध्यान रखिएगा जब भी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा उस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर हम इसमें डायग्राम से मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग देखिए, कंजम्पशन जैसे जैसे शुरू किए पहला यूनिट में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा था, फिर लगातार कम होते चला गया, यहाँ पे जीरो हुआ और इधर निगेटिव हो गया, ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है ना। देखो मान लो इधर यूनिट रहता और इधर हमारा MU रहता तो फर्स्ट यूनिट पे क्या हुआ, मान लो यहाँ पे 10 के बराबर सेटिस्फैक्शन था, सेकेंड पे कम हुआ, थर्ड पे और कम हुआ, ठीक है, और फोर्थ पे जीरो हो गया, फिफ्थ पे निगेटिव हो गया, क्लियर। तो जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व होगा वो कैसा होगा, निगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको आप इसी जो टेबल में दिया हुआ वैल्यू उसी के अकॉर्डिंगली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं उसे वैसे ही रिप्रेजेंट आपके सामने कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है देखिए, एक बार मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ तो आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। इधर मान लीजिए क्या ले लिया मैंने, यूनिट ले लिया, इधर मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10 यूनिट मान ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, इधर आपका निगेटिव हो जाएगा -2, क्लियर। अब अगर इसको हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो कैसा बनेगा, फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना 10 है यहाँ पे जाएगा, सेकेंड पे 8 है, थर्ड पे 6 है। तो अगर इसको आप डायग्राम बनाते चले ना तो आप ना बेसिकली क्या देखोगे, डायग्राम कुछ इस प्रकार का चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और ये 6 है ना, इस प्रकार का डायग्राम आपका जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी बन जाएगा। 1 यूनिट पे 10 हुआ, 2 यूनिट पे 8 हुआ, 3 पे 6 हुआ, 4 पे 4 हुआ, 5 पे 2 हुआ, 6 पे 0 और 7 पे -2, क्लियर। ये डायग्राम को बनाएंगे वो हमारा क्या बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी, जो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये था आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए आज का मैं इसका यहीं तक रहने देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।